हाय फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप भी HDFC बैंक का किसी भी वेरिएंट क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड को आप अपग्रेड करके HDFC बैंक का दूसरा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, चाहे आपके पास ऑफ़र आया है या नहीं है, फिर भी आप ले सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सारे चीज़ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले से मेरा पास HDFC बैंक का दो क्रेडिट कार्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक HDFC बैंक का फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है और दूसरा HDFC बैंक का जो टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड है। तो रिसेंट में हमने HDFC बैंक का जो टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड को हमने क्लोज कर दिया है। तो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप फुल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करके इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। तो कैसे अप्लाई करना है, आगे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, HDFC बैंक की तरफ से मेरा पास एक SMS आया है और उसमें मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मेरा पास जो HDFC बैंक का फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है, उसको अपग्रेड करके IOCL क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, जो इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा पास फिर से एक मेल सेंड किया गया है, उसमें मेल पे भी सारे चीज़ मेंशन कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब्दुल, अपग्रेड योर क्रेडिट कार्ड टू इंजॉय होस्ट ऑफ द बेनिफिट। तो आपका एक नया क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, तो उसको आप यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लुफ्त उठाए, ठीक है। उसके बाद सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कार्ड को लेने के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, क्योंकि ये जो कार्ड है आपको पे अप्रूव दिया जा रहा है। यहाँ पे और दो चीज़ मेंशन किया गया है, मोर रिवॉर्ड्स और मोर कैशबैक। तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा और कैशबैक भी देखने को मिल जाएगा। उसका सारे चीज़ नीचे डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप और एक बार देख सकते हैं। जो फास्ट ईयर फ्री है, तो यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस पे करने का ज़रूरत नहीं है। उसका साइड में आप यहाँ देख सकते हैं, कार्ड अप्लाई करने के बाद 7 डेज के अंदर अंदर आपका जो कार्ड है वो डिलीवर्ड हो जाएगा, और जो 45 डेज पेमेंट साइकिल होता है उसके अंदर आपको कोई भी चार्जेस वगैरह पे करने का ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ पे कार्ड को अपग्रेड करना चाहते हैं तो 3 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए येस ग्रेट मी द अपग्रेड, उसका ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो मेरा पास जो फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है, उसका कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरा ये पे अप्रूव के तहत दिया जा रहा है। तो आपको पे अप्रूव के तहत नहीं मिलेगा, तो आप किस तरीके से आगे अपना जो कार्ड है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उसको इस वीडियो का एंड में सारे चीज़ पता चल जाएगा। तो आपको पे अप्रूव ऑफर नहीं मिलेगा, तो आप भी यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। तो कार्ड को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। जो पहला स्टेप, आइडेंटिफाई योर सेल्फ। तो आइडेंटिफाई योर सेल्फ में अपना जो मोबाइल नंबर और यहाँ पे कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। और नेक्स्ट चूज योर ऑफर और लास्ट सबमिट एंड रिव्यू। तो 3 स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर और आपका कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर कर डाल करके सेंड OTP करना है। तो उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उसमें एक 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डाल करके आइडेंटिफाई योर सेल्फ, उसका ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड यहाँ पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो क्रेडिट कार्ड है ऊपर शो कर दिया जाएगा, उसका नीचे जो क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करके आपको दिया जा रहा है वो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे चेक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। उस एड्रेस को चेक करके यहाँ पे जो टर्म्स कंडीशन है उसको एग्री करना है। उसके बाद एक्सेप्ट ऑफर ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपका जो रजिस्टर नंबर है उसमें एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो कार्ड है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मेरा केस में बोल रहा है ऑलरेडी आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है ये बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे दूसरा क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। तो नीचे एक्सप्लोरर न्यू का ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि HDFC बैंक का दूसरा जो प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा केस में पे अप्रूव का SMS दिया गया है, लेकिन मेरा जो कार्ड है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो आपके पास HDFC बैंक का किसी भी वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है, तो सबसे पहले जो पेज आपको दिखाए थे वहाँ पे आपका रजिस्टर्ड नंबर है, उस रजिस्टर्ड नंबर को यहाँ पे डालना है। डालने के बाद
या फिर आपका कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट नंबर है वो यहाँ पे डाल करके आप अपना ऑफर को यहाँ पे यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने ही। ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और इस वीडियो का रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।